माय चैनल, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और ये कितना अच्छा लगेगा आप समझ सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे भी बारिश हो रही है तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जो रेसिपी है इसमें हमने पोहा, साबूदाना और आलू लिया हुआ है। चलिए हम बता देते हैं, आलू हमें 3 आलू इसमें बॉईल कर लिया है। ये हमने आधी कटोरी, छोटी कटोरी पे पोहा भिगो दिया था और ये हमने थोड़ा सा साबूदाना भी भिगो दिया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ये उबली हुई आलू को मैश कर लेंगे और हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, और हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे एंड हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला। गरम, ये हमने इसमें चाट मसाला डाला है, अब हम इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे। चलिए इसमें ऐड करते हैं, अब हम इसे मैश कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसे प्रॉपर मैश कर लेंगे, आलू को मैश करके और सारी चीज़ों को प्रॉपर मिला देंगे। देखिए हम इसे, आप इसे मैशर के हेल्प से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से और अच्छे से हो जा रहा है। आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। देखिए अब ये हमारा रेडी है। चलिए अब हम इसे इसकी छोटी छोटी गोली गोली लड्डू जैसे इसका टेढ़ा बना लेंगे। ये हमने इसमें ऑयल डाला था, अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें बड़े डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एक बार में कम से कम आपके बहुत सारे आ जाएंगे। इसको हम बढ़िया से डीप फ्राई करेंगे, बट हम इसकी फ्लेम लो ही रखेंगे। ये देखिए तब तक मैंने चटनी रेडी कर ली है। इसमें मैंने आम लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन, और मिक्सर में मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। देखिए कितनी सुंदर चटनी बनी है, कैरी से बनी है हरे आम के। ये देखिए हमारा ये बढ़िया फ्राई हो रहा है, लगभग रेडी है। मैं तुरंत आपको निकाल के बताती हूँ कि ये कैसे दिख रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब कब ये बनेंगे और कब हम खाएंगे, बस थोड़ी देर। देखिए ये मैंने निकाल लिया, कितने क्रिस्पी हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के, एकदम क्रंची हैं, बहुत टेस्टी हैं। चलिए अब मैं इसे आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमारे बढ़िया लजीजदार वाले पोहा आलू और साबूदाने के बड़े हैं, और ये हमारी आम की चटनी है। देखिए कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए, वाव। मैं आपको थोड़ा सा खा के बताती हूँ, बहुत गर्म है, दिख रहा होगा आपको, इसमें से अभी भाप निकल रहा है। बहुत ही टेस्टी है, और बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कैसी लगी आपको। देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी हैं। और हाँ एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिससे वो भी बनाएं। और प्लीज़ मुझे बताइए कि ये मेरा आलू पोहे साबूदाने का बड़ा आपको कैसा लगा। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।